एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज है 13th ऑफ अगस्त और आज का चारों शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आया था, क्या कैसे और ओवरऑल गुड अटेम्प्ट क्या रहा है स्टूडेंट का, ताकि आपको मेंस का तैयारी करने के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग कैटेगरी का। रीजनिंग में आया था शिफ्ट फर्स्ट है, ठीक है। रीजनिंग में आया था अनसर्टेन नंबर वाला जो पजल आता है ना, उसमें जो कि टोटल 13 था, मतलब 13 लोग के को अरेंज करना था जो कि नॉर्थ फेस कर रहा था। ठीक है, उसके बाद है बॉक्स टाइप पजल आया था 5 नंबर का, ठीक है। और नेक्स्ट है पैरेलल रो वाला भी 5 आया था। फ्लोर बेस्ड पजल 5 नंबर का आया था। इनइक्विलिटी में 4 नंबर था। सिलॉक्स था 3 नंबर का, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक जो आता है ना, वो भी 4 नंबर का था। और डिजिट बेस्ड वाला था 3 नंबर का, और बाकी एक एक नंबर का था इधर उधर वाला, ठीक है। और मैथ के बारे में बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन था टोटल 15 नंबर का। रॉन्ग सीरीज इसमें पूछा गया था, ठीक है, 5 नंबर का। और अर्थमेटिक में जो कि टोटल 10 नंबर का पूछा गया था इसमें, और 2 DI आया था 5-5 नंबर का, ठीक है। और गुड अटेम्प्ट के बारे में अगर बात करें तो जिनका भी रीजनिंग सेक्शन में 35+ अटेम्प्ट आया ना, उनका गुड अटेम्प्ट है। और क्वांट में 32+, मतलब अगर ओवरऑल अगर आपका 72+ अगर अटेम्प्ट है आउट ऑफ 80, तो आपका सही ठीक ठाक है, आप मेंस के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये था शिफ्ट 1 का, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 के बारे में। शिफ्ट 2 में क्या कैसे रहा है नहीं रहा है, ठीक है। और इसमें जो रीजनिंग में पूछा था बॉक्स टाइप जो पजल था वो था 5 नंबर का, और एक हाइट कंपेरिजन बेस्ड पजल था जो कि 4 नंबर का था। और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था जिसमें 7 लोग बैठा हुआ था, उसको अरेंज करना था। नेक्स्ट है फ्लोर बेस्ड पजल था 5 नंबर का, और इनइक्विलिटी का 4 नंबर का था। और ब्लड रिलेशन भी इसमें पूछा है, बाकी में तो नहीं पूछा गया था, इसमें ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन आया था। मिक्स सीरीज करके वो भी 4 नंबर का था, ठीक है। और बाकी एक एक नंबर वाला सब था, ठीक है। बात करते हैं अगर क्वांट का, तो सिंप्लीफिकेशन का टोटल 15 क्वेश्चन आया था। इस वाले में मिसिंग नंबर सीरीज आया था 5 नंबर का। और अर्थमेटिक में जैसे पार्टनरशिप हो गया, एज हो गया, मेंसुरेशन वगैरह से फार्मूला बेस्ड वाला 10 नंबर का था, और 2 DI आया था, ठीक है। बात करते हैं गुड अटेम्प्ट का, तो इसमें आपका रीजनिंग सेक्शन में जिसका भी 33+ अटेम्प्ट आया ना, वो गुड अटेम्प्ट माना जाता है। क्वांट में 29+ है, और ओवरऑल थोड़ा सा फर्स्ट के तुलना में सेकेंड वाला थोड़ा सा मॉडरेट आया था, ठीक है। तो जिसको लेकर के जिसका भी 68+ अटेम्प्ट है ना, गुड कैटेगरी में है, क्योंकि रीजनिंग तो ईजी था, लेकिन क्वांट जो सेक्शन था ये ईजी नहीं, मॉडरेट आया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब सिर्फ थर्ड के बारे में बात करते हैं, जिसमें रहा है रीजनिंग सेक्शन में क्या कैसे है उसको देख लेते हैं। तो रीजनिंग में इसमें पैरेलल रो सीटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें 8 लोगों को अरेंज करना था। और नेक्स्ट ऑन सर्टेन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था, 7 लोगों को इसमें अरेंज करना था, ठीक है। और नेक्स्ट एक मंथ और डेट बेस्ड जो रहता है ना, जिसमें अगस्त नवंबर दिसंबर 3 मंथ को लेकर के अरेंज करना था 5 नंबर का। डायरेक्शन डिस्टेंस 3 नंबर का था। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इसमें पूछ लिया था। सिलॉक्स 4 नंबर का। अल्फा न्यूमेरिक इसमें 5 नंबर का था। ब्लड रिलेशन का टोटल 4 नंबर का इसमें था, ठीक है। क्वेश्चन क्वांट के बारे में बात करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन वही सबके जैसे 15 नंबर का था, और उसके बाद ना अर्थमेटिक का टोटल 10 क्वेश्चन इसमें आया था, ठीक है। इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ रहा है 5 नंबर का, और बार ग्राफ जो डाटा DI है ना, वो भी 5 नंबर का था, और टेबुलर वाला भी था जिसमें मोबाइल फ़ोन लैपटॉप वगैरह को लेकर के था, 5 नंबर का था। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं, तो जिनका भी रीजनिंग सेक्शन में 35+ अटेम्प्ट रहा है, उनका गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। क्वांट में 30+ है, वो गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है, ठीक है। एग्जाम के बारे में लेवल के बारे में बात करें, तो रीजनिंग तो ईजी था, और क्वांट जो था सो उसमें ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। जिनका ओवरऑल 68+ है इस वाले सेक्शन में, उसका गुड अटेम्प्ट के कैटेगरी में आ रहा है। शिफ्ट 4 के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या कैसे रहे। रीजनिंग में जो बॉक्स बेस्ड पजल आया था 5 नंबर का, ठीक है, अनसर्टेन वाला था जिसमें टोटल 12 लोग था, 5 नंबर का ये भी आया था। स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट था, 8 लोगों को अरेंज करना था, 5 नंबर का। मंथ बेस्ड पजल था 5 नंबर का, ठीक है। इनइक्विलिटी था 5 नंबर का। सिलॉक्स भी इसमें 3 नंबर का आया था, ठीक है। और लेटर बेस्ड जो सीरीज आता है ये भी था 5 नंबर का। डायरेक्शन सेंस का 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर क्वांट के बारे में बात करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन था 15 नंबर का, और मिसिंग नंबर सीरीज जो है ये था 5 नंबर का, ठीक है। और अर्थमेटिक का 10 क्वेश्चन इसमें आया था, और वही टेबुलर और लाइन ग्राफ वाला जो DI आता है वो 5-5 नंबर का था, ठीक है।
और ओवरऑल गुड अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं, जिनका भी इसमें रीजनिंग में 35+ अटेम्प्ट बनाया गुड अटेम्प्ट में आता है, और क्वांट में जिसका भी 34+ से गुड अटेम्प्ट माना जाता है, बाकी सबके तुलना में ये शिफ्ट आज थोड़ा सा ईजी था। जिनका भी ओवरऑल 73+ है वो गुड अटेम्प्ट में माना जा रहा है। ओवरऑल एग्जाम जो ये था ये वाला फोर्थ शिफ्ट जो था ये दोनों सेक्शन ईजी में आ रहा है। आपका क्या कैसे अटेम्प्ट रहा है आप ये जरूर लिख करके बताना, कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर